मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी से ही रिलेटेड है, और इस सीक्वेंस में आज हम आपको डील करवा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द केस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। अगर आपके पास एक थिन रॉड है तो कैसे आप उसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक थिन रॉड है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। नाउ व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड टेकिंग अ थिन रॉड? थिन रॉड यानी सिर्फ उसकी लेंथ ही कंसीडरेबल है, हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वॉल्यूम जैसी चीजें नेग्लिजिबल मानी है। क्योंकि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या वॉल्यूम जैसी चीजें कंसीडरेबल मान लेंगे तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम भी देखना होगा। अभी हमारा केस सिंपल है क्योंकि हमने माना है कि हमारी रॉड थिन है, सिर्फ उसकी लेंथ ही कंसीडरेबल है और मान लिया कि लेंथ कितना है L। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड को इस तरह कैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, जैसे ही ये पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया वो चार्ज इसकी पूरी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार ये पूरी लेंथ पर मैंने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ठीक, अब यहां कहीं पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां कहीं पर कोई एक पी पॉइंट मैंने लिया जिस पर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड है। अब ये मेरे रॉड का ये जो एंड है यहां से ये ए डिस्टेंस पर सिचुएटेड, तो ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर ली ए। नो द फर्स्ट पॉइंट इज कि क्या आप इस कंडीशन में कूलम्स लॉ डायरेक्टली लगा सकते हो? एक बात तो स्पष्ट है कि हमारी जो चार्ज रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा होगा। दूसरे शब्दों में मेरी जो रॉड है वो पॉजिटिव क्यू को रिपेल कर रही होगी इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन। लेकिन इस रिपल्शन को फाइंड आउट कैसे करें, इस रिपल्शन को हम कैलकुलेट कैसे करें? हम कूलम्स लॉ डायरेक्टली लगा नहीं सकते, बिकॉज एज पर द कूलम्स लॉ ये नियम सिर्फ तब लगता है जब दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रॉड यहाँ पर है वो पॉइंट चार्ज नहीं है, वो एक एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी या एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब हम कूलम्स लॉ यहाँ डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, फिर हमारे मन में क्या स्कीम है? वो स्कीम है कैलकुलस। कैलकुलस का सहारा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कैसे ऐसी कंडीशंस जहां पर आपका पॉइंट चार्ज ना हो, ऐसी कंडीशंस जहां आप कूलम्स लॉ डायरेक्टली ना लगा पा रहे हो, वहां आप इसको कूलम्स लॉ लगाने लायक बना पाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि हम इस रॉड की पूरी लेंथ पर कहीं पर भी जहां हमारा मन करे एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखेंगे ये एक छोटी सी एलिमेंटल लेंथ है, मैंने मान लिया कि ये जो छोटी सी एलिमेंटल लेंथ है इस पर डी क्यू चार्ज। अगर पूरी रॉड पर जिसकी लेंथ एल है प्लस क्यू चार्ज है तो छोटी सी एलिमेंटल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, वो डी क्यू होगा। और लेट ये जो लेंथ है छोटी सी एलिमेंटल लेंथ है इसकी जो लंबाई है वो लंबाई मैंने कितनी मान ली dx, तो इसकी विड्थ dx है। dx इसलिए मानी क्योंकि मैं अब यहां से देखिएगा, मैं यहां से पॉइंट चार्ज के बीच की ये डिस्टेंस को क्या डिफाइन करता हूं x। तो जो मेरा एलिमेंटल स्ट्रिप मैंने लिया वहां से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो इसकी विड्थ कितनी माननी पड़ेगी, dx माननी पड़ेगी। तो अब आप एक नई क्वांटिटी और डिफाइन करें लैम्डा, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी देखिए थिन रॉड की बात जो मैं आपसे कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था, यहां पर मैं सिर्फ लैम्डा डिफाइन करूंगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कितना चार्ज आया, डी क्यू आया, किस लंबाई पर आया, वो लंबाई यहां डी एक्स है तो ये डी एक्स आया। तो जो लैम्डा डी क्यू बाई डी एक्स आपने डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपके सिलेबस में एक्चुअली तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, पहला वन डायमेंशन टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे कि ये रॉड है, दूसरा आएगा आपका टू डायमेंशन टाइप का ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लीजिए एक फॉइल, जैसे कि एक शीट या कोई एक डिस्क जो कि चार्ज हो, और तीसरा आएगा थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में आपका सिलेंडर आ सकता है, स्फीयर आ सकता है। यहां पर आप तीन क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, यहां डिफाइन करते हैं लैम्डा, यहां पर आप डिफाइन करते हैं सिग्मा, यहां डिफाइन करते हैं आप रो। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज कितना चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये होता है लैम्डा। यहां आप डिफाइन करते हैं
सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना चार्ज कितनी सरफेस या एरिया पर आया, तो ये सिग्मा बनता है। आप यहां डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यानी कितना चार्ज कितनी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस प्रकार से। तो टोटल बेस्ड ऑन के हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, वो वन डायमेंशन के जैसा है, वो 2D टाइप का है या वो 3D टाइप का है, हम इस प्रकार से तीन यहां पर पैरामीटर डिफाइन करते हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो। मैं एक बार आपको और बता दूं, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आप इस केस को देखें, इस केस में क्या है, हमारे पास थिन रॉड है, मतलब हमने एरिया और वॉल्यूम जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाया कि कंसीडर हमें ना करना पड़े, तो इन दोनों का जिक्र इस केस में नहीं होगा, सिर्फ लैम्डा का जिक्र हम करेंगे। तो यहां से पहले लैम्डा डिफाइन कर लिया और लैम्डा कितना है, इट इज डी क्यू बाय डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप यहां से यह भी लिख सकते हैं कि हमारा जो डी क्यू की वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होगी, लैम्डा डी एक्स। तो यहां से ये रिजल्ट भी आया। पहले तो डी एफ आप कैलकुलेट करें, मतलब फोर्स आपको टोटल निकालना है, अच्छी बात है, लेकिन आप टोटल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, आपको सबसे पहले डीएफ कैलकुलेट करना है, और डीएफ होगा 1/4π ε₀ यानी के Q1 Q2। तो यहां पर आपका एक पॉइंट चार्ज जब डी क्यू बना लिया आपने, दूसरा पॉइंट चार्ज आपके पास क्यू था, और इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी के एक्स का स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव डीएफ, हमारे पास डीएफ आ गया, बट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। तो इस तरीके से जो डी एफ आया वो हो गया के, डी क्यू की वैल्यू वहां से आ जाएगी लैम्डा डी एक्स स्मॉल क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। नाउ द फाइनल स्कीम इज कि हमें तो भाई टोटल फोर्स निकालना है और वो होगा डी एफ का इंटीग्रेशन, सो एफ विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी एफ। तो ये हो जाएगा के लैम्डा क्यू, में आगे लिख लेता हूं के लैम्डा क्यू, यहां आ गया डी एक्स बाय एक्स का स्क्वायर इस तरीके से। बट दिस इज द टाइम अगेन टू सी दिस फिगर वेरी केयरफुली। अब आपको यहां पर जो फोर्स निकालनी है वो पूरी की पूरी रॉड की वजह से निकालनी है। अब आपको रॉड के किसी एक डी एक्स सेगमेंट की वजह से तो फोर्स निकालनी नहीं है, तो आपको यहाँ लिमिट्स इस प्रकार से सोच समझ के लगाने पड़ते हैं जिसमें कि वो पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए जिसकी वजह से आप इफेक्ट देख रहे हैं। आइए जरा इस लिमिट को देखें, जब एक्स की वैल्यू ए होगी, अच्छा आप देखें यहां पर, जब एक्स की वैल्यू ए होगी यानी हम यहां पर होंगे, और जब इसी एक्स की वैल्यू ए प्लस एल होगी दैट मींस हम यहां पर होंगे। ये जो एक एलिमेंटल स्ट्रिप मैंने यहां पर कट किया है, आप इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में यहां पे ले सकते हैं और यहां पे ले सकते हैं। मींस एक्स की वैल्यू अगर ए है तो हम रॉड के इस एंड पर है, एक्स की वैल्यू अगर ए प्लस एल है तो रॉड के इस एंड पर है। दैट मींस अगर हम लिमिट इस तरह से लगाएं ए से लेकर ए प्लस एल, तो हमने पूरी की पूरी रॉड को कवर अप कर लिया। यही वो बात थी कि मैं आपसे कह रहा था कि लिमिट्स आपको बहुत सोच समझ के लगाने पड़ते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए, के लैम्डा क्यू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करना है 1/x² का dx के रिस्पेक्ट में, ये जाएगा ए से ए प्लस एल का लिमिट। सो एफ इज इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू, इट विल बी x की पावर -2+1 बाय -2+1 लिमिट ए से ए प्लस एल, -1 बाहर आ जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का k लैम्डा q, एंड हियर वी हैव 1/x और लिमिट चलेगी a से लेकर a प्लस एल। नाउ दिस इज द टाइम टू पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो f विल बी माइनस k लैम्डा क्यू अपर लिमिट, इट इज 1/a+l माइनस ऑफ a, इसे सॉल्व कर दीजिए, माइनस के लैम्डा क्यू a माइनस a प्लस एल मल्टीप्लाइड a इंटू ए प्लस एल। सो f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k लैम्डा क्यू a माइनस l a इंटू a प्लस एल, a से a कैंसिल, माइनस एल बचेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के लैम्डा क्यू, यहां से एल मिला माइनस माइनस एल मिला, ये माइनस माइनस में अभी प्लस कर देता हूं तो के लैम्डा क्यू आ गया,
दिस इज एल ए लैम्डा क्यू एल बाय ए इंटू ए प्लस एल. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड. चाहे मेरे पिछले वीडियोस में आपने यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग देखी हो, यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग देखी हो, या फिर ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड ही क्यों ना देखा हो, सभी केसेस में एक बात कॉमन है, पॉइंट चार्जेस नहीं थे. आप डायरेक्टली कूलम्स लॉ नहीं लगा पाते, आपको यहाँ पर यूज करना पड़ रहा था कैलकुलस का. और किस तरीके से कैलकुलस जब आता है तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है. हमने तीन पैरामीटर डिफाइन करे, लैम्डा, सिग्मा और रो. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात, अगर आप कैलकुलस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दो बातें. पहली बात तो ये कि आप अपने ऑब्जेक्ट पर जो एलिमेंटल पार्ट कट करें वो इतनी समझदारी से कट करें कि वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंटल छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव हो. दूसरी बात, प्रॉपर लिमिट जब आपके एक्सप्रेशन पर लगे तो वो छोटा सा एलिमेंटल सेगमेंट अपने आप को पूरे ऑब्जेक्ट के तौर पर कन्वर्ट कर दे. दिस इज द स्कीम बिहाइंड यूजिंग द कैलकुलस. आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा. प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय अजय सर. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. नमस्कार.